नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर एक लेटर सर्कुलेट हो रहा है साउदर्न रेलवे के डिवीजन हेडक्वार्टर की तरफ से, और वो डिवीजन है पालक्कड़ डिवीजन। 27/6/2023 की डेट का एक लेटर यहाँ पर निकला हुआ है, और बहुत सारे यूट्यूबर ये जो लेटर है इसको यहाँ पर रिलेट कर रहे हैं रेलवे में। अभी आपको पता होगा कि एक लेटर निकला था जिसके थ्रू यहाँ पर बोला गया था कि रेलवे में नई पोस्ट यहाँ पर क्रिएट हो रही है, उनको फाइनेंस जो डिपार्टमेंट है या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसने यहाँ पर बैन जो लगा रखा था उसको हटा दिया गया है, और वो इसको इससे इंटर रिलेट कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ये लेटर बिल्कुल अलग है और वो लेटर बिल्कुल अलग है। मैं आपको पूरा सच्चाई इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पर दोस्तों ये लेटर था साउदर्न रेलवे का, और यहाँ पर इनका डिवीजन जो है उसके पर्सनल डिपार्टमेंट से ये लेटर निकला था पालक्कड़ डिवीजन से 27/6/2023 की डेट में। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सब्जेक्ट, आप देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर बोल रखा है क्रिएशन ऑफ एडिशनल पोस्ट इन SNT डिपार्टमेंट ऑफ PGT डिवीजन। तो यहाँ पर PGT यही है आपका, तो PGT डिवीजन जो है उसके अंदर SNT जो पोस्ट है उनको क्रिएट करने के संदर्भ में यहाँ पर ये लेटर है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों क्लियर बोल रखा है इन टर्म्स ऑफ PCPO जो है, PCPO ने यहाँ पर ऑर्डर दिया था 7/2/2023 को। अब इससे आप खुद पता लगा सकते हैं कि भाई ये 7/2/2023 यानी कि 7 फरवरी का लेटर है, उसके रेफरेंस में ये लेटर निकाला गया है। जबकि आप देखेंगे तो वो 23/6/2023 का लेटर था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, कि उसने रेलवे के अंदर जो बैन जो पोस्ट थी उनके ऊपर उनमें रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया है। और यहाँ पर एक चीज़ और आप देख सकते हैं, इन्होंने एक चीज़ और मेंशन कर रखी है कि यहाँ पर इन्होंने एक कुछ चीज़ मेंशन कर रखा है कि यहाँ पर देखिए इन्होंने रेफरेंस दिया है इशूड वाइड RBE नंबर 1/170/2022। इनकी रेलवे बोर्ड का एक लेटर था RBE नंबर 1/170/2022, उसके संदर्भ में इन्होंने यहाँ पर ये चीज यहाँ पर करी है। तो मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि RBE 170/2022 है क्या। तो दोस्तों ये है वो लेटर RBE नंबर 1/170/2022, और इसमें आप देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ पर सभी जो जनरल मैनेजर हैं उनको रेलवे बोर्ड ने बोला गया था किसके रिगार्डिंग, नॉर्म्स यार्डस्टिक फॉर नॉन गजेटेड ग्रुप सी सिग्नलिंग स्टाफ, यानी कि आपका जो नॉन गजेटेड पोस्ट है ग्रुप सी की उनकी नॉर्म्स चेक करने के लिए। तो यहाँ पर बोल रखा है कि रेलवे बोर्ड हैज अप्रूव्ड द नॉर्म्स यार्डस्टिक फॉर नॉन गजेटेड ग्रुप सी सिग्नलिंग स्टाफ फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑन रेलवेज। द यार्डस्टिक इज एप्लीकेबल ऑल द रूट टाइप ऑफ सिग्नल सबर्न एंड नॉन सबर्न और स्टेशन ब्लॉक सेक्शन एज डिटेल एनेक्सर ए और बी। यानी दोस्तों रेलवे बोर्ड ने सभी जनरल मैनेजर जो है जनरल रेलवे के उनका आदेश दिया था कि ग्रुप सी के अंदर जो भी सिग्नल स्टाफ है उसको आप जो है जो पोस्ट है उनको यहाँ पर देखें कितनी पोस्ट आपके पास है, कितनी पोस्ट आपके पास रिक्वायरमेंट है। तो ये सब चीज़ दोस्तों यहाँ पर इन्होंने मांगा था, और उसके एवज में दोस्तों इन्होंने अब यहाँ पर लेटर निकाला है। ये जो लेटर निकाला दोस्तों उसी के एवज में निकाला गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखो सिग्नल कैडर के बारे में इन्होंने बता रखा है कि भाई इतनी आपके SSC की या JEE सिग्नल जो है उनकी पोस्ट इतनी है, और यहाँ पर इतनी ही हमारे पास भरी हुई है 31/5 तक, हमें इतनी की रिक्वायरमेंट है यानी कि शॉर्टेज है। इसके अलावा टेक्नीशियन की, असिस्टेंट टेक्नीशियन की, क्लर्क की, ब्लैक स्मिथ की, ये टोटल यहाँ पर 359। और यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरे पास एक PDF है 215 पेज की, जिसमें आपके सिग्नल की नहीं बाकी सभी ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट हुए सभी डिपार्टमेंट है उनका दोस्तों यहाँ पर डेटा है। बाकी बहुत सारे यूट्यूबर इसको इंटरलेट कर रहे हैं। ये वाला जो अभी रिसेंटली 23/6/2023 को यहाँ पर एक रेलवे बोर्ड का RBE नंबर 84/2023 आया है, इससे रिलेट कर रहे हैं कि आपका जो नॉन गजेटेड पोस्ट है उनको क्रू के द्वारा आप जो है क्रिएट कर सकते हो, रेलवे बोर्ड ने इसकी यह मंजूर ले ली है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। ये दोस्तों बिल्कुल ही अलग है, ठीक है। हाँ ये बात सही है कि जो पिछला लेटर था उसमें रेलवे ने सिग्नल स्टाफ को जो पोस्ट था उसको यहाँ पर देखने के लिए बोला था, लेकिन इससे रिलेट करना बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि ये अभी जस्ट आया है और RBE नंबर 84/2023 से, और वो जो पोस्ट है वो बिल्कुल ही अलग है, तो इससे इंटरलेट करना इसको बिल्कुल ही गलत है। बाकी हाँ ये जो लेटर है इसको मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ऑलरेडी डाल दिया हूँ, आप इसको देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर इससे रिलेट करना इसको बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये अलग है और वो लेटर आपका अलग है। तो यही बताने के लिए मैंने वीडियो यहाँ पर बनाया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपके दे रखी हैं, इसमें सिग्नल नहीं बाकी बहुत सारी और भी डिपार्टमेंट है जिनकी पोस्ट भी आपके सामने बता रखी है जिनको आप देख सकते हैं, और ये अलग अलग डिवीजन की है। ये भी आप देख सकते हैं, जैसे पार्क नाउ डिवीजन है उसका रहा, तो यहाँ पर अलग अलग डिवीजन का आप यहाँ पर डेटा यहाँ पर देख सकते हैं। साउदर्न रेलवे का यहाँ पर ये पूरा डेटा है और बहुत लंबी यहाँ पर PDF है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर ये ऑपरेट, ये आपके ये ट्रांसपोर्टिंग जो है ये ट्रैफिक डिवीजन है, वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, उसका डेटा आप देख सकते हैं। स्टेशन मास्टर रहा, ट्रैफिक कंट्रोलर रहा, ट्रेन क्लर्क रहा, शंटिंग जमादार रहा, तो उनका डेटा यहाँ पर दिया गया। इसी प्रकार से आपको सबका डेटा इसके अंदर मिल जाएगा। देखो यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, उसका आपको डेटा मिल जाएगा। तो यहाँ पर डेटा है, बाकी ये RBE नंबर जो भी निकला है उससे बिल्कुल ही अलग है। बाकी
मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।